12-12-12 की तारीख हरियाणा के झज्जर के लिए खास है। इस तारीख पर पैनासोनिक ने अपना देश का पहला इको फ्रेंडली प्लांट झज्जर में शुरू कर दिया। हालांकि कंपनी इसे पहले 21 दिसंबर को लॉन्च करने वाली थी, क्योंकि 12-12-12 की त्रिवेणी 100 साल के बाद बनेगी, इसीलिए कंपनी ने तारीख में बदलाव कर इसे 9 दिन पहले लॉन्च कर दिया। देखिए, मैं आपको बिल्कुल सही बात बताऊंगा। हमारा ओरिजिनल प्लान था कि हम 21-12 को ये फैक्ट्री का इनॉग्रेशन करें, और चूंकि ये बात सिर्फ 9 दिनों की थी तो हमने सोचा क्यों ना एक जो ऐतिहासिक डेट है, जो मेरे ख्याल से अब अगले 99 साल या 100 साल तक अपने को नहीं देखने को मिलेगी, तो ये एक बहुत अच्छा पीरियड है और हमेशा सबके लिए यादगार रहेगा, तो इसलिए हमने ये डेट चुनी। प्लांट का उद्घाटन हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि झज्जर में पैनासोनिक की इस यूनिट के लगने से क्षेत्र का विकास तो होगा ही, साथ ही लोगों को रोजगार के साधन भी उपलब्ध होंगे। पहले फेज में 1500 लोगों को रोजगार देने की योजना है और साल 2018 तक 2000 और लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। पहली जो पैनासोनिक फैक्ट्री जिसका आज उद्घाटन हुआ है वो 2000 लोगों को रोजगार देगा। वहीं पैनासोनिक इंडिया के एमडी मनीष शर्मा के मुताबिक झज्जर में कंपनी ने करीब 3 यूनिट लगाई है। चलिए खुद सुनते हैं मनीष शर्मा से उनका क्या कहना है प्लांट के बारे में। पैनासोनिक के मनीष शर्मा जी है। मनीष जी, इसमें क्या मैन्युफैक्चर होगा और क्या कैपेसिटी है फैक्ट्री की? जी, ये हमारी जो पहली इको आइडियाज फैक्ट्री है इंडिया के अंदर। यहाँ पर हम लोग शुरू में 3 फैक्ट्रीज लगाई हैं। यहाँ पर एक है जो एयर कंडीशनर्स की फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री की कैपेसिटी लगभग 800,000 यूनिट प्रति वर्ष है। और दूसरी फैक्ट्री जो है वो वॉशिंग मशीन की फैक्ट्री है, जहाँ पर हमारी कैपेसिटी 300,000 यूनिट पर ईयर की है। और तीसरा एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है जिसको हम वेल्डिंग मशीन्स कहते हैं, तो उसकी कैपेसिटी काफ़ी जो इंडस्ट्री की डिमांड है इंडिया की, उसको इन लाइन में रखते हुए बनाई गई है। तो ये 3 फैक्ट्रीज आज हमने इनॉग्रेट की हैं। सर, जो ये फैक्ट्री है इसका नाम है इको आइडियाज़। तो जो नॉर्मल फैक्ट्रीज और इको आइडियाज़ में क्या डिफरेंस है सर? इस फैक्ट्री में हमने काफ़ी सारे ध्यान रखे हैं कि हम किस तरीके से एनवायरनमेंट को कम से कम नुकसान पहुंचाएं। हमारी पूरी कोशिश ऐसी है। तो आप जैसे शुरुआत करेंगे, जैसे ही आप फैक्ट्री में घुसेंगे तो आपको काफ़ी सारे सोलर पैनल्स दिखेंगे यहाँ पर। तो हमने कोशिश की है कि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, पूरा जो ऑफिस वाला कॉम्प्लेक्स है, हेडक्वार्टर वाली बिल्डिंग है, वो पूरी बिल्डिंग सोलर पैनल से पावर्ड हो। हम वहाँ पर बिजली का इस्तेमाल ना करें, ऐसी हमारी इच्छा है। तो वो कोशिश के लिए हमने यहाँ पर सोलर पैनल्स लगाए हैं। उसके अलावा जो पानी है उसकी 100% रिसाइकलिंग है इस फैक्ट्री का। हम पानी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे यहाँ पर। तो इस तरह के काफ़ी सारे आइडियाज़ हैं कि एनर्जी हम कितना कम से कम कंज्यूम करें, वो ध्यान में रखते हुए ये इको फैक्ट्री लगाई है। पैनासोनिक का उत्पादन के क्षेत्र में करीब 8,887 मिलियन रुपए निवेश करने की योजना है। कंपनी ने रेवेन्यू जनरेशन का टारगेट 2015 तक 25,000 करोड़ रुपए का रखा है। आपको ये भी बता दें कि ये प्लांट कंपनी ने 76 एकड़ जमीन में लगाया है। झज्जर में जहां पैनासोनिक शुरू हुई, वहीं रिलायंस को बड़ा झटका लगा। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साफ किया कि रिलायंस राज्य में SEZ नहीं बना रही। इस SEZ के लिए हरियाणा के SHREDC विभाग ने लगभग 1300 एकड़ जमीन अधिग्रहण किया था। रिलायंस के सुस्त रवैये के चलते हरियाणा सरकार रिलायंस को दी जमीन वापस लेने जा रही है। रिलायंस को कोई जमीन नहीं दे रखी है, वो तो उनकी खुद की खरीदी हुई जमीन बना रहे हैं। जो वहाँ गुड़गांव में जो रिलायंस की जमीन था वो हमने फैसला किया, हम वापस लेंगे। पैनासोनिक को भी हरियाणा से खासी उम्मीदें हैं। कंपनी के मुताबिक कंपनी आसपास के इलाकों का विकास करने में सरकार का सहयोग करेगी। कंपनी हरियाणा के कारोबारी माहौल से खुश नजर आई और उम्मीद जताई कि हरियाणा में वो बेहतर काम करेगी। देखिए, मैं ये कहूँगा विद ड्यू रिस्पेक्ट कि हमको यहाँ पर जितना स्मूथ ऑपरेशन हुआ, मैं नहीं समझता कि इतनी शायद हमने भी उम्मीद की थी। और आप यदि ये देखेंगे कि ग्रीन फील्ड से स्टार्ट करके हमने मेरे ख्याल से 18 महीने के अंदर ये फैसिलिटी खड़ी कर दी है, और आप देखिए आज ऑपरेशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो हमें बिल्कुल भी यहाँ पर कोई किसी भी तरह की, और मेरे ख्याल से ये केवल कहने की बात नहीं है, लेकिन सरकार की तरफ से या किसी भी दफ्तर की तरफ से किसी भी तरह की कोई डिफिकल्टी फेस नहीं हुई। बहरहाल, गुड़गांव के बाद अब कंपनियों ने अपना रुख गुड़गांव के साथ सटे इलाकों में करना शुरू कर दिया है, जिससे ये बात तो साफ है कि आने वाले समय में हरियाणा कंपनियों की पहली पसंद बना रहेगा। बिजनेस डेस्क से धर्मेंद्र, इंडिया न्यूज़।